पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ वैकेंसी निकाली गई है, इसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या एजुकेशन चाहिए, इस फॉर्म से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए जो कि सही जानकारी होता है हमेशा ढूंढ कर लाते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी निकाली गई है इसके बारे में। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अब हम ये देखते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, क्योंकि अलग अलग बहुत सारा पोस्ट है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे क्लार्क, MTS, जूनियर इंजीनियर, नर्स, सुपरवाइजर, बहुत सारा अलग अलग पोस्ट रखा गया है। सिक्योरिटी गार्ड है, ड्राइवर के लिए भी है, हेल्पर के लिए भी है, बहुत सारा यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट है। अप्लाई ऑनलाइन ही करना है, कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं, आप अपने फ़ोन से घर बैठे इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी यहाँ पर कोई क्लियर नहीं किया हुआ है, जबकि ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है हम उसे डाउनलोड करेंगे, देन वहाँ पर सारी जानकारी रीड करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हर एक चीज़ मेंशन किया होता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा और नीचे आते हैं। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते, कोई भी कंडीशन नहीं रखा गया। मिनिमम एज जो है 18 ईयर और मैक्सिमम एज जो होता है ना ये 25 ईयर ही होगा, यहाँ पर मिस है। देन यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, देन आपका सिलेक्शन कर लिया जाता है। सैलरी देखिए बहुत कम सैलरी है, क्योंकि यहाँ पर जो सैलरी कम है इसमें अलग से जो सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम होता है ये इसमें आ जाती है, इसके वजह से यहाँ पर सैलरी कम ही है। 5200 से 20200 तक ही मिलने वाली है। अप्लीकेशन फ़ी कोई नहीं है, बिल्कुल फ्री है, आप फ्री में अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी चार्ज वगैरह देना नहीं है। आपने अगर किसी भी बोर्ड से मिनिमम 10वीं पास कर रखा है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अगर 12th कर रखा है तो भी कर सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं रखा गया। लास्ट जो डेट है यहाँ पर देखिए 5 फरवरी 2024 तक है। सो आप इस फॉर्म को कंफर्म अप्लाई कीजिए, क्योंकि कोई चार्ज वगैरह देना नहीं है और एक छोटा सा इंटरव्यू होगा और सिलेक्शन कर लिया जाता है। और जो अभी सैलरी हम आपको बताया है ये सैलरी फिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अलग अलग बहुत सारा पोस्ट रखा गया है, तो हर एक पोस्ट के लिए यही सैलरी नहीं होने वाली है, सबके लिए अलग अलग होती है। सो आप अप्लाई कीजिए, देन यहाँ पर डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करके आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, फिर रीड करना है, तो सारी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। सो आपकी कवरी यहीं पे समाप्त करते, वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर से